नमस्कार, सिटी हलचल चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। शराबी पिता ने मासूम बच्ची को जमीन पर पटक कर उतारा मौत के घाट। मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम राहतपुर में अपनी पत्नी को लेने गए मंडावली निवासी मोहम्मद नाजिम ने शराब के नशे में अपनी 8 माह की मासूम बच्ची को जमीन पर पटक कर मार दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा, राहतपुर से ग्राम प्रधान। जी, क्या घटना हुई आज? आज घटना ये हुई है कि मंडावली से लड़का एक, जो जिसकी शादी राहतपुर हुई हुई थी, वो अपनी घरवाली को लेने राहतपुर गया था। तो उसने दारू पी रखी थी, बदतमीजी करी लड़की के साथ, उनके घर वालों के साथ बदतमीजी करी और लड़की को अपने उसके घरवाली के हाथ में से लेके उसे देके मार दिया। अपनी बेटी को? अपनी बेटी को। कितनी बड़ी है वो? वो 8 साल की लड़की है उनकी। 8 साल? 8 महीने की। 8 महीने की लड़की है। अच्छा, मतलब अपनी बेटी को पटक के मार दिया? अपनी बेटी को वही फर्श पर देके पटक के मार दिया। अच्छा। उसको पूजा हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ 1 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। अच्छा, अब क्या हो रहा है उसको? अब उसको कार्रवाई हो रही है, उसको मुकदमा लिखा जा रहा है उसके खिलाफ। पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है उसको। अच्छा, बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए? बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। थाना मंडावली के राहतपुर खुर्द गांव का है। इरफान नाम का एक व्यक्ति, जिसकी शादी 1.5-2 वर्ष पहले हुई थी, 8 माह की एक बच्ची थी। पारिवारिक कलह विवाद के चलते उसकी पत्नी मायके चली गई थी। पुनः विदा कराने के लिए शराब के नशे में गया था, पुनः विवाद हुआ। 8 माह की बच्ची को उसने अपने हाथ में लेकर के नशे की हालत में, उसका कहना है छिटक गई, घर वालों का कहना है उसने पटक दिया। फिलहाल घायल अवस्था में उस बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त के खिलाफ 304 IPC सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। इसको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है।